इधर आओ, चल निकल चल निकल, इधर आओ चल निकल, एक मिनट में आता हूँ। नाम तो बताओ आपका। नाम से क्या करोगे? अरे नाम से आपका मुझे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, एक मिनट प्यार से बात तो करो यार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद जी, एक मिनट रुको, एक मिनट बैठ के बात करते हैं। क्या हाल बना के रखा है? कहाँ से आ रहे हो आप? गोरखपुर से कह तो रहे हैं यार। तो यहाँ कैसे पहुँचे भावनगर में? भावनगर, ये भावनगर है, पता नहीं नाम को। तो कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको, हालत तो देखो यार अपनी। हालत क्या देखो, हम जा रहे घर। कहाँ जा रहे हो घर? एक घर आ जाओ वहाँ। कहाँ भी कहाँ, हट। अरे पर रुको तो सही, मुझे भी आता है मारना, पर रुको एक बार। रुको, क्या पत्थर मारोगे मुझे आप? हैं, मैं इतना हूँ पागल? छोड़ छोड़, हट। क्यों पत्थर क्यों मारो? इधर आओ, पत्थर क्यों मार रहे हो? पत्थर मारे हैं तो क्यों मुझे डरा रहे हो? कितने लोग आपसे डर रहे हैं पता है आपको? तो जा रहे घर ना, मैं आपको देख रहे हो, मैं आपको गोरखपुर ले जाने आया। तो गोरखपुर मत ले जाओ, चले जाएंगे पैदल। कैसे जाओगे? तो भावनगर यहाँ से कितना दूर है पता है आपको? पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं आपको। चलो मेरे साथ, हटो हटो घर जाने दो, गोरखपुर जाना। अरे मेरे, मैं आपको गोरखपुर पहुंचा दूंगा ना, आपको तो गोरखपुर जाना है। गाड़ी में गोरखपुर ले जाएंगे, मैं आपको गोरखपुर ले जाऊंगा। आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। हाँ चलो, मैं नहीं पकड़ूंगा, इधर आ जाओ। इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हो और आप इतने, रुक मिनट, आ जाओ। दोस्तों अभी हम भावनगर से, यहाँ सोशल मीडिया आश्रम के नज़दीक है, लोंगड़ी करके गाँव है, बोरड़ा से एक भाई आ रहे थे पैदल। वैसे तो काफ़ी दिन से चल के आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को बहुत बुरी कंडीशन है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। पूरा एपिसोड देखिए, शेयर कीजिए, अभी हालात बहुत गंभीर है, भाई थोड़े डरे हुए हैं इसलिए लोगों से भाग रहे हैं, बट हमें आगे जाना पड़ेगा, एक दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। चलिए पूरा एपिसोड देखिए, अभी यहाँ से थोड़ी दूर है सोशल मीडिया आश्रम। आपका परिवार में कौन कौन है मोहम्मद भाई? ये टिंकू है, टिंकू भाई, ये सनी भाई है। सनी भाई और टिंकू भाई, वो कहाँ है दोनों? घर पे होंगे। घर पे होंगे, अब कितने दिन से निकले हो घर से? बाप को पता होगा। हैं? बाप को पता है। आपके पापा को पता है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम पहुँच गए हैं सोशल मीडिया आश्रम। आ जाओ अहमद भाई, आ गए हम सोशल मीडिया आश्रम। एक मिनट रुको, बोलो। बाप सिकड़ा बांध के मार रहा है। अच्छा, मतलब आपका पापा आपको मार रहा सिकड़ा बांध के? वो साकड़ आती है वो बांध के? हाँ। क्या बात कर रहे हो, कितने दिन से मार रहा था? कई दिन से मार रहा, बहुत दिन से मार रहे हैं। अच्छा चले, कोई बात नहीं। गोरखपुर में जाफरा बाजार है, जाफरा बाजार, जाफरा बाजार। अरे प्रॉपर गोरखपुर या आसपास कोई गाँव का नाम है? नहीं, गोरखपुर में जाफरा बाजार। गोरखपुर में जाफरा बाजार, ठीक है। लाओ विपुल भाई वाले खुर्ची लाओ, हेलो इस पे बैठो आप, बस बैठ जाओ, बस आराम से बैठो। दोस्तों अभी हम हाईवे पे थे तो थोड़े डर इसलिए था क्योंकि बड़े बड़े वाहन निकल रहे और भी सही तरह से नहीं। आप इधर हालात देखिए कि किस हिसाब से वो कितने दिन से निकले, वो तो हमें भी नहीं पता है, बट हमें व्हाट्सअप के माध्यम से पता चला, बता रहे कि वो गोरखपुर से है और उसके पापा के बारे में थोड़ा बता रहे कि उसके पापा उसको कुछ मार रहे थे। कितनी सच्चाई वो तो हमें पता नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, हालात गंभीर है, उसको बदलने की कोशिश करते। ऐसे प्रभु जी आपको कहीं पे भी रोड पे देखे तो प्लीज़ दोस्तों उससे डरिए मत, वो हमसे डरते क्योंकि हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि हमारी सेफ्टी कैसे रखे, लोग हमारे पास आएंगे तो हमें मारेंगे, तो इस हिसाब से वो शायद हमसे ही डरते होंगे इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करते। बट उससे कभी डरिए मत, प्यार से बात करोगे तो प्यार से वो मान जाएंगे, बट आप समझदार हो, समझ गए होंगे। चलिए थोड़ी हालात को बदलाव लाते हैं और कुछ ना कुछ इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बराबर ना अहमद भाई? तो बाल काट दे थोड़े से, नहीं गोरखपुर जाना हमको ना। आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ, एक इंसान की तरह जाओ। कपड़ा पहनाया नहीं सीता, देखो ना कितना खराब कपड़ा है। तो रहने दो, कोई बात नहीं, कपड़ा मारो। आपको नया कपड़ा मैं पहना देता हूँ ना, आप नहीं कपड़ा नहीं पहनेंगे? क्यों, किसी का कपड़ा नहीं पहनते? कोई बात नहीं, आपका कपड़ा पहन लेना, ठीक है? आपका कपड़ा गाड़ी में पड़ा है, दे हाँ भी देता हूँ, पहले कवाल बाल काट देता हूँ ना, वो पहन लेना।
अहमद भाई आपके कपड़े नहीं पहनने आपको, कपड़े मेरे लाओ, कपड़े हाँ देता हूँ, चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर आओ, चलो खड़े हो जाओ। अहमद भाई को फैंसी हेयर स्टाइल चाहिए, वो बोल रहे थे मुझे फैंसी हेयर स्टाइल कर दो, इसलिए अभी मशीन भी थोड़ा बिगड़ चुका है क्योंकि काफ़ी दिन से उसने बाल नहीं काटे थे, उसकी वजह से मशीन भी काम नहीं कर रहा था, बट अभी चलो कोई बात नहीं, नहला के धुला के फिर अच्छे से उसको तैयार कर देंगे, तब तक के लिए मस्त फ्रेश हो जाते हैं, बराबर है अहमद भाई? अरे घर जाना गोरखपुर। अरे गोरखपुर भेजना है ना, ये सब लोग आपको भेजेंगे जो देख रहे हैं ना वो, ठीक है, आपका वीडियो इसलिए तो बना रहा हूँ मैं, चलो आ जाओ। ये शर्ट के हालात है, आप देखिए हमारे पास सब कुछ सुविधा होती है, रहने की अच्छी सुविधा, अच्छे कपड़े, सब कुछ, बट हम कभी कभी ऐसे व्यक्ति को देखते तभी पता चलता है कि कितने अहमियत होती है छोटी छोटी चीज़ की भी, बस कदर करनी चाहिए। आज ऐसे व्यक्ति को देख के पता चलता है कि हर एक इंसान अपने जीवन में बदलना जरूर चाहता है, बट हमें आगे आना पड़ेगा एक दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। पूरा देखिए एपिसोड, शेयर कीजिए। कहाँ पे लगा? यहाँ पे, यहाँ लगा, देखो यहाँ। हाँ हाँ, वो भाग रहे थे ना इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, कोई मारो ना थी, यहाँ पे चोट लगी। आपके पापा का नाम क्या है? जावेद अहमद। हैं? जावेद अहमद। जावेद अहमद, वो क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं। हैं? ठेला चलाते हैं। किस चीज का? बालू पटरे का। हैं? बालू लूगा। बालू, वो क्या होता है? बालू, बालू वो होता क्या है? अरे होता है आलू, आलू आलू। अच्छा, तो आप कितने दिन से निकल गए हो? याद नहीं आ रहा दिन है? पापा मार रहा था मान के बाहर में निकल। पापा कितने टाइम से मार रहे थे? साल भर से बांधे थे सीकड़। साल भर से सीकड़ बांध दिए पैर में। साल भर से आपको साकल से बांध के रखा था? सीकड़, सीकड़ में पैर से बांध, पैर में सीकड़ बांध दिए थे घर के अंदर। हाँ, मार रहे थे। तो फिर वो साकल तोड़ के कैसे आ गए आप? साइकिल तोड़ के नहीं, खोले थे, चले हैं। हैं? खोले, भाग के चले हैं। तो क्या ट्रेन में बैठ चुके थे? ट्रेन में आए थे। ट्रेन में कब बैठे आप? ट्रेन में याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? एक दो, एक महीना हो गया होगा। हैं? एक दो महीने, एक महीने ऊपर हो गया। एक महीने ऊपर? एक महीना नहीं, और ज्यादा हो रहा। एक महीने से ज्यादा? अच्छा, इतना सब कुछ याद है तो फिर आप कितनी ऐसी हालत में क्यों घूम रहे थे? एक महीना नहीं, चार पाँच महीना हो रहा है। ज्यादा हो रहा, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? जब तक ना मिल जाए ना आपका परिवार, तब तक आप यहाँ पे रहो, खाना पीना रहना और भगवान का नाम लीजिए और अच्छे से प्यार से रहिए, ठीक है? टाइम पे ना लीजिए, टाइम पे खा लीजिए और हमारे साथ मदद करवाइए, समझ रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है। हैं? ठीक है। भाग तो नहीं जाओगे ना? नहीं भागेंगे, घर जाएंगे गोरखपुर। बस जब तक गोरखपुर से आपको लेने ना आ जाए तब तक मत भागना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा प्रयत्न किया है एक व्यक्ति को बदलने के लिए, आप भी आगे आइए, एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए, और यहीं पे भी आपको ऐसे व्यक्ति दिखे, बहुत ही कुछ परेशान किया बट अब ठीक है, नॉर्मल है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, और यहीं से भी उसके पापा इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उसकी बात जो सच है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है घर में कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऐसी दिमागी हालत से हो जाए तो हर कोई व्यक्ति उसको टॉर्चर करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अपराध भी है और साथ में ऐसे व्यक्ति को टॉर्चर करना भी एक पाप है, तो जहीं से भी शायद वो ऐसा करते होंगे तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है तो ऐसा मत कीजिए, और प्यार दीजिए, प्यार से हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, प्यार पर दुनिया कायम है, तो हर कोई व्यक्ति बदलने के लिए राजी है, आप भी आगे आइए, एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए, और बस यही विनती है, जहीं से भी उसके पापा देख रहे, बहुत दुख हो रहा है कि पापा होने के बावजूद भी ऐसे उसको मारते थे, सच कितना है वो तो मुझे भी नहीं पता है बट ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हाथ जोड़ के विनती है पूरे इंडिया से, कोई भी व्यक्ति ऐसे माइंड से या दिमाग से कोई दिव्यांग है, मंद बुद्धि है या फिर कुछ भी, तो प्लीज़ उसको टॉर्चर मत दीजिए, उससे प्यार से बातचीत करिए, ठीक है? समझ रहे हो ना? नहीं समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं पा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, अब रहिए शांति से, वो तो समझ पा रहा है ना? ठीक है,
चले दोस्तों, सोशल मीडिया आश्रम एक हिंदुस्तान का नया विचार आपके समक्ष हम रख रहे हैं, तो आपका सपोर्ट करना एक हमारी सबकी जवाबदारी है। आगे आइए, एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारी ले सकते हो। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।